mommy and daddy. Mimi, so give one to daddy. This one and this, the bunny. Yeah, and the garage door one. Yeah. Hey. So these are smart keys. So if you want to replace the keys, or you can actually rekey them, it takes about 10 seconds to do it. This is my key, Papa. ओके सो ये होने वाला है हमारा पहला दिन हमारे नए घर में. ये कपड़े स्विमिंग पूल से आए हैं तो यहाँ पे डाल दिए मैंने. अभी हमने मूव करना शुरू नहीं किया है क्योंकि जो हमारी हेल्प करेंगे ट्रक को अनलोड करने में 3 बजे आएंगे वो लोग. एंड यहाँ फिलहाल एम्प्टी घर कुछ ऐसा लग रहा है. एंड जब बॉक्सेस ही बॉक्सेस हो जाएंगे तो पता नहीं कैसा लगेगा. डाइनिंग चेयर टेबल जाएगा उस एरिया में. सो या सो दिस इज़ बिफोर. This is gonna be my bathroom. Okay. It's so nice to see it empty. I don't think so. We need to call for the cleaners. Yeah. Oh yeah. We just had to clean on Friday there. Okay. Yeah. So yeah, it's yeah. It looks yeah. Wait a second. It's in my closet. ये नहीं मैं लगाना नहीं लाना क्योंकि इतने पेपर लगाना फट जाना पेपर. I'll hang plant blooms. So this thing is for. When it's wallpaper like that, if we take it off, then you're just gonna have holes. Yeah. So I don't even notice. Yeah. I just like. ऑलमोस्ट हमारी क्लोजिंग हो चुकी है बट हम चीज़ें देख रहे हैं क्योंकि कई चीज़ें रिप्लेस करने वाली हैं एंड ये कोविड की वजह से हो नहीं पाई हैं बट दे गोना डू इट. और काफ़ी चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी कर दी हैं. कुछ वो कह रहे हैं स्लोली स्लोली करते जाएंगे. इनसाइड वाली फिनिश कर दी है, बाहर वाली थोड़ी समय के बाद करें. ओके सो मूविंग का काम शुरू होने वाला है एंड ये बिछा दिए हमने क्योंकि वो कह रहे हम शूज़ नहीं उतारेंगे. सो मुझे लगा कि ये गलत हो जाएगा तो या कारपेट पर नहीं चलेगा. And उन्होंने काम करना शुरू कर दिया. These ones going on the deck. Yeah. Thank you. Okay, so guys हमने unpack करना शुरू कर दिया है and ये दो बंदे हमारी help कर रहे हैं. And मैंने एक ना डब्बा pack किया था ये pink वाला beginning में क्योंकि चाय पीने के लिए सारी ingredients. तो सारी ingredients मिल गई मुझे पर फोन मेरे कप नहीं मिल रहे. और मैंने इनको भी बोल दिया है जो मदद कर रहे हैं कि इंडियन चाय पीना जाएंगे आप. वो कह रहे हैं हाँ. हम 2 ग्लास मिले हैं मुझे. अब मैं अनपैक कर रही हूँ. वैसे मैं आराम से करना चाहती थी पर यार आई होप 1 ग्लास मिल जाए एंड चाय पिला दूँ उनको मैं. और सो फार ऐसा लग रहा है मत कहता मेरे लिए भी चाय बना ला. 3 कप तो मिल गए बहुत क्योंकि मैं रख दिनी हूँ मुड़के गुआच जाते मैं लभ दे नहीं. ऑलराइट दोस्तों तो इस घर में मैं पहली चाय बनाने वाली हूँ. ऐसा इतना कुटना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास अमाम दस्ता नहीं है क्योंकि वो मैंने मेरे दोस्तों को दे दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी वो टूटे क्योंकि मार्बल एक ही सट के साथ टूट जाता है. इट्स ओके गुड एनफ राइट. तो देखने के लिए किचन थोड़ी ऐसा लग रहा है कि छोटी है बट इसमें स्टोरेज स्पेस मेरे पुराने घर से ज़्यादा है एंड काफ़ी सारी प्लेसेज है जहाँ पर मैं चीज़ें स्टोर कर सकती हूँ एंड सेपरेटली पेंट्री भी है. सो और क्या चाहिए मुझे राइट. पहले फुटेज मुझे लगता है कि मैंने दिखाई है आपको कहाँ पे और फ़ोन पे. एंड डाइनिंग टेबल की चेयर्स ना थोड़ी बेचारी अंदर सी चली गई तस गई है. इतना देर वो बेचारी ने ट्रैवल किया है. सो ये प्यारा सा टेबल यहाँ पे आएगा जो मैं हम वहाँ से लेके आए हैं. देखें इसका और हमारे फ्लोर का रंग कितना मैच करता है. एंड मैं मेरे साइड टेबल्स भी लेके आई हूँ. एंड ये प्यारा बुद्धा एंड ये ब्लैक डेकोरेशन वाली बॉटल जिसमें मैं कुछ डाल दूँगी. पति विंग्स सो पति इज़ बिजी बिजी Making outside की barbecue का लोग करूँगा. Itching his back, itching his heart. यार बेचारा ना एक पत्ता टूट गया तो मरने लगा. उन्होंने ग्लास चबाया. सो गाइज पौधों ने कर लिया है मेड ऑन डैरियो डॉल बर्टा बेचारे बच के. पति ने तो बहुत कोशिश की थी कि ये भी बेच दे
पर ये दोनों नहीं बेचने दिए मैंने। हिम्मत आ जा प्लीज, आ जा। Guys, you know I did all these matches. Very nicely done. Come, let's play some games. So guys, so far कितने घंटे हो गए? बहुत 2 घंटे हो गए। So 2 घंटे move करने के बाद हालत कुछ ऐसी है। And me and him are going to sleep because I need to go to washroom. And I thought let's use the basement. Stay here, okay? Don't go anywhere. So moving का process अभी भी चल रहा है। सारे boxes को ऊपर लेके जाया जा रहा है। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें मार की हैं, पर मेरी दोस्त को, जिसने मेरी फ्रेंड ने मेरी पैकिंग में मदद की है, उसने सिर्फ बड़े बड़े टाइटल्स में लिखा है कि किचन एंड एवरीथिंग। मैंने काफ़ी चीज़ें डिटेल में लिखी हैं क्या क्या हो सकता है। सो मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा चीज़ें मैं खोल लूँ जो मैं कल फूड बना पाऊँ एटलीस्ट। सो ये मैंने ऐसे ही पैक किया था, इसको इसी ही जगह पर रखने वाली हूँ मैं। मेरे पास काफ़ी सारे ड्रॉर्स हैं वैसे डील करने के लिए, पर फिलहाल मैं इसे इसी में रख रही हूँ सारी कटलरी, ताकि कल मैं कुछ कुक कर पाऊँ मैं अपने लिए। ज़्यादा अभी हमने इंग्रेडिएंट्स भी नहीं खरीदे, हमारे घर के पास सोबीज है, वहाँ से मैं आलू लेके आई हूँ। आटा मुझे लगता है मेरे पास है, आटा गूंदेंगे, परौंठियाँ बनाएंगे एंड आलू के लाइक जीरा आलू बना लेंगे, कुछ करेंगे ताकि घर का खाना खा पाए। क्योंकि पिछले कितने दिन से, 7 डेज से हमने घर का खाना नहीं खाया, क्योंकि 5 दिन हमें लगे हैं ट्रैवल करने में एंड उससे 2 दिन पहले पैक कर रहे थे एंड बहुत कुछ। सो या जीरा आलू एंड परौंठी खाना चाहती हूँ मैं, एंड इसीलिए मैं जब तक वो मूव कर रहे हैं मैं खाने में व्यस्त, सॉरी जितने बॉक्स कर सकती हूँ कर रही हूँ मैं अनपैक। वैसे मैं ज़्यादा काम नहीं करना चाहती हूँ, पर मुझे लगता है मैंने 4 बॉक्सेस ऑलरेडी अनपैक कर लिए हैं एंड हिम्मत के फेवरेट राजमा भी निकाल लिए गए हैं एंड सो फार कितनी दूर तक पहुँची एंड लुक एट दिस। मेरी दोस्त है, उसने इतना अच्छा पैक किया है ना सारा ग्लास कि किसी को कुछ भी स्क्रैच नहीं आया है। लुक एट दिस, कुछ हिल भी नहीं रहा है एंड मैंने काफ़ी चीज़ें खोल ली हैं एंड सारी परफेक्ट है एंड ओके। सो जैसे जैसे अनबॉक्सिंग हो रही है तैसे तैसे हैप्पी हो रही हूँ मैं कि इतना बढ़िया पैक किया उसने। और ये बहुत ही ज़्यादा पतला ग्लास है। सो आप देख सकते हैं कि मेरे चेहरे के 12 बजे हुए हैं, मेकअप के 12 बजे हुए हैं एंड एवरीथिंग के 12, क्योंकि मैं बहुत रो रही थी। थोड़ा बेटर फील कर रही है कि शूट कर ला, कि फ्यूचर से कभी देखा गए कि जब हम इस घर में आए थे कैसा फील हो रहा था, पर दिल उदास भी हो जाता है तंग करके ना। सो मुँह थोड़ा अजीब जहा लगता था। सो मैं मेरी दोस्त का नाम नहीं ले सकती हूँ क्योंकि वो नहीं चाहती कि मैं उसका नाम लूँ, बट वो मेरी ये वीडियो देखेगी एंड आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें पहले ही प्यार करती हूँ, बट ये पैकिंग को देख के ना प्यार मेरा 10 गुना और बढ़ गया है। मजाक कर रही हूँ, प्यार मतलब कि नहीं भी पैक कर दी था प्यार सी, बट इतना परफेक्टली जीता ना, दिल जीत लिया तुमने मेरा। अभी ना बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं लेके आई हूँ, वो इसलिए क्योंकि जो मुझे थोड़ी सी भी पसंद नहीं थी ना, मैंने कहा कि लड़ सो डाउन स्टेयर के काम करके थक चुकी हूँ। मैंने सोचा कि बेड बना लेते हैं सोने के लिए, और मुझे पता नहीं चीज़ें कहाँ कहाँ पे हैं। शायद ये मेरी क्या बोलते हैं, हमारी रजाई है, ये ओपन करेंगे। कितना सही है, इतनी टाइनी लग रही है ये, अब इसे खोल लेंगे ना तो बड़ी हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो ये हमारे इस घर का पहला मील होने वाला है। मैंने सोचा था कि एग ब्रेड खाएंगे, पर मेरे पास ऑयल ही नहीं है, या फिर है मुझे मिला नहीं। पर मैंने किचन के अराउंड 5 बॉक्स खोल लिए हैं ऑलरेडी। सो देयर इज हस्बैंड ईटिंग बट वेरी वेरी सैड एंड दिस इज मीमी एंड दिस इज माय मील। लुक एट दिस पिक्चर, व्हाट इज दैट? ओके, मैंने कोशिश की है काफ़ी करने की, बट मैं ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि मैं थक जाऊँगी। सो ये होने वाली है आज हमारे इस घर में पहली नाइट। सो हस्बैंड देख रहे हैं खूब सारी वीडियोस सिद्धू की एंड मैं भी
बड़ा उदासी वाला दिन था. अभी मैं एडिट कर रही हूँ ना, मैंने सारा याद आ गया. फिर डैडी वो So my first night here, and guys, it looks like evening, but it's actually 10 o'clock. So this is day one night. Okay guys, look, समय हो चुका है, 10 बज गए हैं ऑलरेडी. एंड बाहर की रोशनी से ऐसा लग रहा है कि 6 बजे हैं. ओके, बिल्कुल वाइट है. ऐसा लग रहा है कि सनसेट अब हो रहा है, पर समय 10 ओ क्लॉक है. आई शो यू गाइस, लुक, 10. कैन यू बिलीव, कैसे सोएगा कोई बंदा. ओके, सो क्लोजेट को करने वाली हूँ. मैंने थोड़ा सा किया था, पर मेरे हैंगर्स फिनिश हो गए. मैंने लास्ट क्लिप में आपने देखा होगा कि कॉस्को से मैंने ये हैंगर्स खरीदे थे, नॉन स्लिप, एंड 50 है इनमें. और दोस्तों, क्लोजेट को मैं कर रही हूँ फिक्स. मैं लेके आई थी लास्ट क्लिप में, आपने देखा होगा, कॉस्को से हैंगर्स. मैं लेके आई थी कितने हैंगर्स, अराउंड 50. मुझे लगा कि बहुत होंगे, पर उनका तो ऐसे पता ही नहीं चल रहा कि हैं कि नहीं. बस उस एरिया में हैं, थोड़े से इस एरिया में, दैट्स इट. और फिर हम दोबारा से कॉस्को गए और बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं. हॉल नहीं किया मैंने क्योंकि हम बहुत हंग्री थे एंड चीज़ें मैंने ऑलरेडी सेट कर दी हैं. पर यस, मैं हैंगर्स का एक नहीं, दो और बॉक्सेस लेके आई हूँ. एंड मैंने सोचा कि क्लोजेट को ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं. सो ये जो क्लोजेट है, अच्छी है. ये वॉशरूम तक जाती है, काफ़ी सारा स्पेस है इसमें. ये वाली शेल्फ है, इसके नीचे भी है, वहाँ पे भी, वहाँ पे भी, एंड ऊपर भी आप चीज़ें रख सकते हैं, लाइक कोई बैग्स या कुछ भी, शू बॉक्सेस जो आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते. सो मुझे लगता है कि ये सारी क्लोजेट मुझे ही यूज़ करना चाहिए, हस्बैंड को कोई और दे देंगे. मेरा सामान आराम से आ जाएगा एंड थोड़ी जगह बच भी जाएगी. फिर मैंने प्लान बनाया है कि हस्बैंड को एक कोना दे देते हैं, ये वाला, उनके सामान रख दिया मैंने. सिर्फ यही वाला सेक्शन देंगे उनको, उनका मुझे लगता है कि सारा कुछ इसी में आ जाएगा. स्पेशली जो उनके फैंसी कपड़े हैं वो यहाँ पे रखेंगे. एंड उनको मैं देने वाली हूँ ये वाली क्लोजेट, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें वो फोल्ड करके रखते हैं ना. तो ये मेरे पास एक क्लोजेट है जो वॉशिंग मशीन के बिल्कुल सामने है. आई होप ये मेंट टू बी लिनन क्लोजेट है, पर इसमें अच्छी तरह शेल्फ्स हैं. सो मैंने सोचा है कि इसमें मैं हस्बैंड की चीज़ें रख दूंगी, लाइक दो उनको दे दूंगी, दो मैं रख लूँगी अपने लिए. मैं क्या रखूँगी इनमें, मैं इनमें रख लूँगी जो हम रूटीन में कपड़े पहनते हैं, लाइक टी शर्ट्स, पीजेज, ऐसे ऐसे जिसको मैं हैंग नहीं करना चाहूँगी, उसे हम इसमें रख देंगे. सो वैसे मैंने टॉयलेट पेपर रखे, उसे रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास वो चीज़ें रखने के लिए यहाँ पे भी दो कबर्ड्स हैं जो इनफ है. सो यहाँ पे मैं टॉयलेट एंड आलतू फालतू चीज़ें सेव कर सकती हूँ. एंड लॉन्ड्री का स्टफ़ रखने के लिए उससे भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो दो हैं, उनमें तीन तीन सेक्शंस हैं. एंड यहाँ पे नीचे भी एक कबर्ड है. सो स्टोरेज का काफ़ी ज़्यादा सोल्यूशन है. सो मेजॉरिटी पति की चीज़ें जाएंगी इधर, फैंसी हो जाएंगी, और कुछ मैं भी यहाँ से भी यूज़ करूँगी मैं. और अब आप सोचेंगे लिनन कहाँ पर जाएगा. लिनन के लिए एक स्पेशल क्लोजेट है, लिनन के लिए एक स्पेशल क्लोजेट है. सो ये बहुत बड़े साइज़ की एक लिनन क्लोजेट है जो कि वॉक इन है, आप अंदर तक जा सकते हैं. सो खूब सारी शेल्फ्स है, 1, 2, 3, 4 एल शेप में, और नीचे भी स्पेस है एंड ऊपर भी है. सो लिनन के लिए ये बहुत है. इसमें भी मैं टॉयलेटरी सेव कर सकती हूँ, लाइक टॉयलेट पेपर्स या पेपर टॉवल्स, जो मैं कुछ रखना चाहूँ. एंड यूजुअली क्या होता है कि जो गेस्ट रूम है हमारा, वो हम बेसमेंट में बनाने वाले हैं क्योंकि वहाँ पे भी बेडरूम एंड स्वीट है. सो ये जो सबसे आगे रूम होता है ना यहाँ पे, इसे मैं यूज़ करती हूँ एज अ स्टूडियो. आप देखें यहाँ पे कितनी रोशनी है, थोड़ी टिम करनी पड़ेगी हमें. या सो इस रूम को मैं यूज़ करूँगी एज अ स्टूडियो, या फिर मेरा ऑफिस, हस्बैंड का ऑफिस नीचे होने वाला है जो मेन डोर के बिल्कुल पास है, उसे भी मैं यूज़ करूँगी. पर इसे, ये मेरा प्राइवेट एरिया होता है, यहाँ पे मैं हर कुछ अपना करना चाहती हूँ. तो इसे हम बेडरूम नहीं बनाएंगे इस बार, मेरा स्टूडियो ही बनाएंगे. इसकी वो वाली वॉल काली है, काला मुझे बहुत पसंद है. और इसकी जो वॉक इन, इसकी जो क्लोजेट है ना, वो भी नहीं पाएंगे क्योंकि रूम बहुत ब्राइट है, यहाँ पे बहुत सारी विंडोज़ है, इवन क्लोजेट में भी एक विंडो है. सो ये भी वॉक इन क्लोजेट है, इसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज है. इसमें सारा मेरा स्टूडियो की स्टोरेज जाएगी. सो बहुत ज़्यादा चीज़ें वो सारी इसमें जाएंगी. अगर इसमें स्पेस बचता है तो मैं मेरे जो विंटर कोट्स होते हैं ना, जो थोड़े फैंसी होते हैं, तो मैं इसमें रखती हूँ. अदरवाइज मैं शू क्लोजेट में रखती हूँ, बाकी सारे जो निकलते हुए हम पहनते हैं. शू क्लोजेट भी यहाँ पे वॉक इन है. सो स्टोरेज की चिंता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है. पर मेरा स्टूडियो में जो भी इन क्लोजेट में सामान जाएगा, देखो कितना सारा है, सारा मेरा सामान है, लाइक स्टूडियो की बैकग्राउंड, डंडे वंडे, बहुत कुछ है, ट्राईपॉड्स, कैमरे, लाइट्स, स्टूडियो लाइट्स. हिम्मत की क्लोजेट को भी सेट करना बाकी है, पर इसका बेड रख दिया मैंने, ये साइड में रख दी हैं, अच्छी लगेंगी. पर ये टेबल जाएगा मेरे ऑफिस में क्योंकि यहाँ पे इसका स्पेस सही नहीं लग रहा, कलर भी नहीं. तो हिम्मत की क्लोजेट है जो, वो भी वॉक इन है.
इसमें अच्छा साइज़ है। हिम्मत का कोई भी बॉक्स नहीं खोला है मैंने, उसके 3 कपड़े पड़े हैं बस यहाँ पे, बाद में करेंगे, पहले मेरी क्लोज़ेट को करते हैं। एंड ये वाला जो वॉशरूम है हिम्मत का है, बाद में दिखाऊंगी मैं आपको। एंड या अभी कपड़े धोने भी बाकी हैं, मैं सोचता थोड़ा सा सेट कर लूँ उसके बाद धोते हैं कपड़े। या मैं मेरे लिए लैपटॉप लेके आई हूँ, नेटफ्लिक्स पे कुछ देखते हैं एंड कपड़े सेट करते हैं। लेट्स डू इट। सो मैं अपनी क्लोज़ेट को सेट कर रही थी तो हैंगर फिर मुक गए मेरे पास। मुझे लग रहा था कि 2 बॉक्स इनफ होंगे, पर मैं उसके बाद भी मिला था 5-6 बार हैंगर लेके आई हूँ, बड़ी मुश्किल से पूरे हुए हैं। मैं फिनिश क्लोज़ेट आपको कुछ देर में दिखाऊंगी, पर या आज एंड ऑफ द डे पे मैंने इतने बॉक्स एम्प्टी किए हैं। मैं आपको मिलूंगी कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को ज़रूर से। एंड अगर कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो कमेंट बार में बताना, मैं आपके कमेंट्स हमेशा पढ़ती हूँ और आपसे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव यू।